हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ गाइज, आप लोगों को तो टाइटल देख के समझ में आ गई है, हाँ मैं आज एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी रैबिट को भी स्किन डिजीज हो गई है, स्किन इन्फेक्शन हो गई है, तो आप लोग भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कौन सी मेडिसिन है, कब आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताती हूँ। कैसे आप लोगों को समझ में आएंगे कि आपकी रैबिट्स की स्किन में इन्फेक्शन है या फिर नॉर्मल है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को में बताती हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर से जरूर देखना, और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या फिर आइडियाज मिले हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए गाइस, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हाँ गाइस, चलिए आज की वीडियो की टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले तो रैबिट्स को हम जब भी गोदी में लेते हैं, उसका फर थोड़ी बहुत तो हमारे बॉडीज में या फिर स्किन में या फिर कपड़े में तो लग ही जाती है। तो देखिए, रैबिट्स के नॉर्मल हेयर फॉलिंग होना ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप लोग सोचेंगे हेयर फॉल हो रही है इसके मतलब उसका स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सारा सिम्टम्स अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ। नॉर्मली साल में 2 से 3 बार रैबिट की जो है हेयर फॉलिंग होती है, न्यू हेयर की ग्रोथ भी होती है। तो ये प्रोसेस करीबन 1 महीने के अंदर जो है वो खत्म भी हो जाती है, जो पुराने फर होते हैं वो गिर जाती है और 1 ही महीने के अंदर नए नए जो छोटे छोटे फर होती है वो आ जाती है। तो इसके लिए आपको डेली कोमिंग या फिर आप कह सकते हो थोड़ी सी हाथ गीले करके उसके बॉडी में टच करके जो भी एक्स्ट्रा फर होती है वो आपके हाथों में आ जाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस आप लोग फॉलो कर सकते हो। और हाँ गाइस, सेकेंडली कब आपके रैबिट्स के फर निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। फीमेल रैबिट जब प्रेगनेंट होती है, नेस्टिंग बनाने की टाइम आ जाती है, देन उस टाइम पे भी फीमेल रैबिट अपने पूरे जो सामने वाले पोर्शन की फर होती है वो निकाल के नेस्टिंग या फिर घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए। तो ये तो हो गई सेकंड थिंग, एक नॉर्मली नेचुरली बिल्कुल नेचुरल वे में हेयर फॉलिंग होती है, उसका फर फॉलिंग होती है जैसे हमारी हेयर फॉलिंग होती है नॉर्मल, उसी तरीके से। सेकेंडली जब फीमेल रैबिट बच्चे देने वाले होते हैं उस टाइम पे होती है, और वो भी करीबन 25 दिन से 1 महीने के अंदर फर आ जाती है। और पीछे से मेरी डॉलर को देखिए, मैं जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो बच्चा विंडो पे मैं रख के देती हूँ, अदरवाइज मेरे वीडियो बनाने भी नहीं देंगे। तो जो भी हो चलिए, और थर्ड जो मेन थिंग है, अगर आप लोग ऐसा सिम्टम्स देख रहे हो आपके रैबिट के अंदर, तो ये सारे कुछ आप लोगों को नोटिस करनी है। जैसे कि आप देख रहे हो फर तो फॉलिंग हो रही है, लेकिन जैसे बेबी बनीज होती है ना पिंकिश कलर में, बिल्कुल स्किन जैसे कि पिंक होती है वैसे कलर हो गई है, पर्टिकुलर एक एक स्पॉट्स करके जो है फर गायब हो गई है और पूरा स्किन दिख रही है। और करीबन आप लोग वेट कीजिए 15 से 20 दिन तक कि उधर से नया फर आ रही है या फिर नहीं। अगर नहीं आ रही हो, उसी जगह को वो खुजला रही हो, स्किन इन्फेक्शन हो गई है, तो आप लोगों को उसको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। फर्स्टली आप तो उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाइए। और बहुत सारे शिकायत आती है कि दी हमारे घर के सामने वेटरनरी डॉक्टर नहीं है, या फिर बहुत दूर पे है, या फिर इधर पे डॉग्स की डॉक्टर रहते हैं, कैट्स की रहते हैं, लेकिन हमारे रैबिट्स को देखने के लिए कोई नहीं है, ऐसा बहुत बार मुझे सुनने को आई है। तो आप लोगों को मैं एक होम रेमेडी जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ ये 100% आपके रैबिट के ऊपर वर्क करेंगे, लेकिन आपको ये कितने दिनों तक करना है ये चीज़ को आपको मतलब दिमाग में रखना है। आप एक दिन करके सोचेंगे सही हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा जो फायदेमंद होती है रैबिट्स के स्किन डिजीज के लिए वो है एलोवेरा जेल। ओके, एलोवेरा जेल आप लोगों को लेनी है। जो नेचुरल एलोवेरा होती है, एलोवेरा प्लांट्स आपको वो जो स्टेम होती है उसका लेना है, उसके अंदर से जेल को निकालनी है, एंड वो वाला जेल आपके रैबिट के जिस बॉडी पार्ट में वो स्किन दिख रही है या फिर डिजीज हुई है उस जगह पे आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, दिन में आपको 2 से 3 बार करनी होगी एक ही जगह में, और इस तरीके से 3 दिन आपको रिपीटेड करनी होगी, दिन में 2 से 3 बार और कंटिन्यूअसली 3 दिन तक ऐसे करनी होगी। उसके बाद जो है आप उस जगह को साफ करने के लिए क्या यूज करेंगे, आप डिटॉल पानी से भी थोड़ी बहुत, बिल्कुल डिटॉल एक बूंद लेके एक बोल पानी में उसमें कटन अच्छे से डिप करके उसको क्लीन कर सकते हो। अदरवाइज जो पेट वाइप्स आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बिल्कुल साफ सुथरा गीला कपड़ा से भी आप साफ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रैबिट को पूरा गीला कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप लोग 3 दिन फॉलो कीजिए, उसके बाद आपकी रैबिट की बॉडी को अच्छे से क्लीन कर दीजिए और कुछ दिन वेट कीजिए, 1 हफ्ते तक, आप लोग देखेंगे उधर से नया नया फर जो है आना स्टार्ट हो गई है। तो स्किन डिजीज होने की रीजन भी मैं बता देती हूँ, गंदी जगह
जगह पे रहना या फिर सही डाइट ना होना या फिर कुछ काट लिया हो उस जगह से उसको इन्फेक्शन होना या फिर शिशु पॉटी वगैरह अच्छे साफ नहीं होती उधर पे वायरस बैक्टीरिया के कारण उसके बॉडी में स्किन इन्फेक्शन होना, तो ये कुछ रीजंस हो सकती है आपकी रैबिट को इन्फेक्शन होने के लिए। और अगर आप लोग सोचेंगे नेस्टिंग करने के लिए घोंसला बनाने के लिए आप उसके बॉडी की फर आ रही निकल रही है तो आप लोग सोचेंगे और इसको कुछ डिजीज तो नहीं हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको 15-20 दिन देखना है, नॉर्मली अगर सब कुछ सही है नेचुरल वे में हो रही है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हर एक रैबिट की, मेरे रैबिट की भी जब मैं गोदी में लेती हूँ थोड़ी बहुत तो बाल आती ही आती है, तो ये बिल्कुल नेचुरल होती है, चाहे वो डॉग हो कैट हो रैबिट हो सबकी आती है। ओके, और जब स्किन दिखाई दे रही हो पिंकिश हो गई हो बॉडी में उसके बाद जो आपको ये ट्रीटमेंट करनी होगी। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडियाज मिले होंगे जिनके पास भी रैबिट्स होंगे। तो चलिए और एक न्यू टॉपिक के साथ या फिर न्यू एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। और ये वीडियो कैसे लगी और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी जानी हो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय, सी यू।